हाँ जी, क्या हालचाल दोस्तों आपके? आई होप कि आप सब भी लोग सेफ होंगे, हेल्दी होंगे। सो एक और नया दिन है और एक और नए ब्लॉग का टाइम है। तो आज ज़्यादा कुछ करने के लिए अपने पास है नहीं है। वैसे पूरा दिन तो आराम ही किया है क्योंकि बैक में दर्द होने लग गया था। पूरे हफ्ते काम किया घर पर बैठ के, तो कुछ करने के लिए था नहीं। तो एक मेरा दोस्त है, तो उससे मेरी बातचीत हुई थी अभी। मैंने भी उसे मैसेज किया, उसने मुझे मैसेज किया, बातचीत वार्तालाप चलता रहा। तो एनवे जो था कंक्लूजन ये निकला कि हम लोग मिलने वाले हैं और विकासपुरी जाएंगे किसी पार्क वार्क में। पीछे ये जो आपको दिख रहा है इसे इग्नोर करना है, इसको साफ़ करना है। करूँगा मैं इसे साफ, आराम से करूँगा। तो निष्कर्ष ये निकला कि हम लोग मिलने वाले हैं और विकासपुरी जा रहे हैं, एक पार्क में जा रहे हैं। तो पूरे हफ्ते कुछ करने के लिए तो था नहीं मेरे पास। आज भी मैं आराम से उठा था तो मैंने सोचा कि मिलते हैं और चलते हैं। तो वहीं जा रहे हैं अभी, देखता हूँ उसका फ़ोन आने ही वाला है थोड़ी देर में, तो सीधा वहीं चलते हैं। फिर मैं आपसे बातचीत करता हूँ वहीं चल के। घर में बैठे बैठे परेशान हो रहा था, सोचा कहीं घूम के आया जाए। तो एक दोस्त है, आप शायद जानते भी होंगे, तो उसका फ़ोन आया। उसने कहा चल भाई चलते हैं कहीं। मैंने भी सोचा कि बहुत दिन से कहीं बाहर नहीं गए, एक छोटी सी वॉक हो जाएगी, मिलवाऊँ आपको। ये लो मिल लो जी। चाल चाल याद बढ़िया। वो पूछ रहा है सब बढ़िया है, तो कमेंट में बता देना अगर आपके हालचाल कैसे हैं। और जानते हो तो वैसे तो जानते ही होंगे, और नहीं जानते तो जी सुशील बोला नाम है, यूट्यूबर है भाई। अभी तुम्हारी छत्र छाया में है बस। अरे ये तो आपका बड़प्पन है। कुछ भी कुछ भी। तो जी यहाँ पे घूम रहे हैं, घूमते घूमते पता नहीं कहाँ आ गए यहाँ। तो मैं तो फर्स्ट टाइम आया हूँ, यही लेके आया। इसको ही पता होती है ये सब चीजें, खुफिया तंत्र विभाग में काम करते हैं ये। पता नहीं कौन सी जगह ले आए चलते चलते। बहुत बढ़िया जगह भाई। भाई ट्रैक अच्छा है। उत्तम नगर टर्मिनल तो नहीं पहुँच जाएंगे यहाँ से? मेट्रो दिखती है लेकिन यहाँ से नहीं। चलो यार थोड़ा वॉक वॉक करते हैं, उसके बाद फिर आपसे बात करता हूँ आराम से। यार गर्मी कितनी हो रही है, एक तो 44-45 डिग्री टेम्परेचर जा रहा है रोज, दिमाग खराब हो रहा है यार। घर में इतनी गर्मी लगती है तो बाहर आए हैं। अरे वॉक करके आए तो लगी है। तो अभी तो वॉक करके आए हैं और ज़्यादा वॉक भी नहीं करी है मेरे ख्याल से। हमने कितनी करी होगी, शायद 600-700 मीटर ही चले होंगे। और इसका तो फिर भी ठीक है, मेरी तो गेम ओवर होगी। चक्कर आ गए मेरे को। और उसकी टॉप स्पीड भी अच्छी है यार। हेलो जी, तो राइड करके वापस आ चुका हूँ और इसी बहाने सुशील से भी मिल लिया। काफ़ी दिन से कहीं गया भी नहीं था, घर पे बैठा बैठा काम कर रहा था, तो इसी बहाने इससे मुलाकात भी होगी। अब बहुत देर भूख लग रही है गाइस, क्योंकि रात शाम हो रही है। वैसे तो शाम ही हो रही है लेकिन मेरे को भूख लग रही है। तो मैं सोच रहा हूँ खाना खा लेते हैं अब सीधा, इसी बहाने थोड़ा सही टाइम पर भी खा लेंगे। तो जी आज का स्वाद पतंत्रा ये अपने रोटी, तो ये इसको क्या कहते हैं, इसे कहते हैं अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। बैगन आलू की सब्जी, और ये दाल सी दिख रही होगी आपको, वैसे ये राजमा है। हाँ ये राजमा ही है। चलो कल के बच्चे हुए अपना काम बन जाएगा। तो गाइस मैं अपना डिनर कर लेता हूँ और यहाँ पे अपने ब्लॉग को एंड करता हूँ। अगर आपको पसंद आया हो तो आप लाइक कर सकते हैं,
वैसे ज्यादा कुछ था नहीं आज करने के लिए, फिर भी ब्लॉग तो डालना था तो मैंने डाल दिया। अगला ब्लॉग लेके मैं आपसे जल्दी मिलूंगा और कोशिश करूंगा कुछ इंटरेस्टिंग लेके आऊं। कुछ मैंने प्लान भी कर रखे हैं, एक दो फ्रेंड से बात भी हुई है, तो देखते हैं क्या प्लान बनता है आगे का। लेकिन हाँ, कुछ इंटरेस्टिंग होगा और जल्दी होगा। तो व्लॉग को मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगला व्लॉग लेके मैं आपसे जल्दी मिलूंगा, तब तक गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय बाय।